हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्लास बेस्ट क्वेश्चंस लेकर के आपके समक्ष आई हूँ। आप सभी रेडी हो जाइए अपना अपना स्कोर चेक करने के लिए। दोस्तों, डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, लगातार किसी भी चीज़ को करेंगे तो सिद्ध हो जाता है। इसलिए टेंशन न लीजिए, बस लगातार डेली बेसिस पे जैसे सब काम को वरीयता दे रहे हैं, उसी प्रकार 24 घंटे में से 4-5 घंटे अपने पढ़ने पर भी लगाइए, डेली प्रैक्टिस करने पर भी लगाइए। बस इतना सा करना है, लेकिन डेली बेस पे करना है। ये नहीं कि एक दिन हमने 24 घंटा लगा दिए, सोए ही नहीं और दूसरे तीसरे दिन बीमार हो गए, तो ये नहीं करना है। बस कंसिस्टेंसी बनाना है, जितना आप पढ़ रहे हैं डेली करें, ठीक। तो दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, चाहे UPTGT PGT हो, UPLT ग्रेड हो, MP TET हो, MP SuperTET वर्ग 2-3 हो, चाहे एकलव्य मॉडल स्कूल हो, चाहे बिहार स्टेट हो, चाहे BPSC हो, कोई भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम हो, KVS, NVS, UGC नेट, ऑल एग्जाम के लिए मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियो फ्री में अवेलेबल है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी थ्योरी सेशन, MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस चेकआउट कीजिए और स्टडी कीजिए। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि दो चीज़ों के मेन वरीयता दिया जाता है, हेल्थ इज वेल्थ एंड टाइम इज मनी, ये दोनों याद रखिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है। कितना है? 15 है। जैसा कि दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ एंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। तो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य एंड 10 अस्थायी यानी अल्पकालिक सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन एंड अमेरिका है एंड अल्पकालिक 10 जो सदस्य अस्थायी होते हैं वो क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बजट में सर्वाधिक योगदान कौन सा देश देता है? तो अमेरिका, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगिरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? तो इन सब को बढ़ावा मिला मुस्लिम काल में। कब मिला? मुस्लिम काल में। दोस्तों, मुस्लिम काल 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक रहा। मुसलमान काल में घुड़दौड़, तलवार चलाना, धनुर्विद्या, कुश्ती जैसे खेलों का प्रमुख स्थान मिला। चौगान उस समय का प्रसिद्ध खेल था। मुसलमान काल में मुर्गों का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी को भी बढ़ावा मिला। दोस्तों, हम बता दें कि जैसे आप भारत के इतिहास में देखेंगे तो वेद काल, महाकाव्य काल, ऐतिहासिक काल, नालंदा काल, राजपूत काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल एंड स्वतंत्रता के पश्चात का काल, इसमें बांटा गया है। जिसमें से आपको याद रखना है कि 2-3 क्वेश्चन जो हैं, जो हर बार घूमते रहते हैं, वही पूछे जाते हैं, जैसे कि योग की उत्पत्ति कब हुई। तो योग की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई।
वैदिक काल में योग की उत्पत्ति हुई, जिसे प्राणायाम को धार्मिक क्रियाओं में अपनाया जाता था, और सूर्य नमस्कार अभिन्न अंग था वेद काल में। तो योग की उत्पत्ति कब हुई? योग काल में। और योग पर प्रतिबंध कब लगा? तो मुस्लिम काल में। दोनों चीजें याद रखिएगा, योग की उत्पत्ति वेद काल में एंड मुस्लिम काल में योग पर प्रतिबंध लग गया, ठीक है। और एक और पूछा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रमुख से किसका विशेषज्ञ था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है तीरंदाजी धनुर्विद्या जो है तक्षशिला में एक विशेष विषय था। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर के नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन शारीरिक अंगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके विषय में एडवर्ड एफ वाल्टमर ने शारीरिक शिक्षा के चार लक्ष्य बताए हैं। उसमें से है शारीरिक विकास, दूसरा हरकत एवं प्रेरक कार्य क्षमता यानी मोटर क्षमता का विकास, एंड ज्ञान एवं समझ का विकास, एंड सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो विजडन पत्रिका का प्रकाशन 1864 ईस्वी में अंग्रेजी क्रिकेटर जॉन विजडन द्वारा फ्रेड लिली व्हाइट के द गाइड टू क्रिकेटर्स के प्रतियोगी के रूप में की गई थी। इस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबिल भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि क्रिकेट का बाइबिल किसे कहते हैं, तो विजडन पत्रिका को। एंड परंपरागत विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार की शुरुआत 1889 में हुई थी, और विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार 2004 में शुरू किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या उस समय 51 थी। अब वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी सदस्य संख्या है? तो 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1952 में आयोजित किया गया, 24 जनवरी से 1 फरवरी 1952 मुंबई में आयोजित किया गया। वर्तमान में इसका वार्षिक महोत्सव गोवा में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो दोस्तों शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत 18वीं शताब्दी में मानी जाती है। कब मानी जाती है? 18वीं शताब्दी में मानी जाती है। जैसा कि दोस्तों जो शारीरिक शिक्षा है उसको सबसे पहले मान्यता दिया गया यानी कि 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी। एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई, तो 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी। एंड शिक्षा में जो शिक्षा पद्धति है उसमें शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब हुई? तो 18वीं शताब्दी से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीसी की स्थापना कब की गई? नेशनल कैडेट क्रॉप्स, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1948 में किया गया।
यह योजना रक्षा मंत्रालय के अधीन राज्य सरकारों के सहयोग से चलती है। इसका अपना महानिदेशक होता है। इसे चलाने के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति है जिसका अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होती है। यह बात किसने कहा है? आप सब जानते हैं, ये बात कहे हैं स्वामी विवेकानंद। इनका कहना था कि सारी शिक्षा की न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य में भी महान उपयोगिता है। इनकी आवश्यकता एवं महत्व पर बल देते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नव युवकों की शिक्षा के लिए आज भगवद गीता की नहीं अपितु फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम है, तो भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि YMCA का फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मद्रास में सबसे पहले स्थापना किया गया 1920 में हेनरी क्रो बक के द्वारा। यह भारत का प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। इसके संस्थापक H.C. बक थे। यह भारत का प्रथम हैंडीकैप्ड व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी है। और दोस्तों YMCA की स्थापना जो है सबसे पहले किया गया था 6 जून 1844 में लंदन में जॉर्ज विलियम के द्वारा। फिर अमेरिका में 1883 में स्प्रिंग फील्ड में प्रशिक्षण की शुरुआत किया गया और भारत में 1920 में मद्रास में H.C. बक के द्वारा। और H.C. बक का फुल फॉर्म है हेनरी क्रो बक। हेनरी क्रो बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। एंड यहाँ पे लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला की स्थापना 1961 में एंड लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना लखनऊ की 1932 में। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है, तो दोस्तों स्पोर्ट्स म्यूजियम जो है वह अवस्थित है पटियाला में। कहाँ पे अवस्थित है? पटियाला में अवस्थित है स्पोर्ट्स म्यूजियम। जैसा कि दोस्तों स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला में स्थित है। स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला की स्थापना 1961 में हुई। यह म्यूजियम 1973 में NSNIS पटियाला में संबद्ध किया गया। एंड नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? कक्ष है कि स्थान है कि छत है कि मैदान है? तो आप सभी ने सही आंसर दिया, मैदान यानी फील्ड। यानी कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी क्रियाएं मैदान में ही होती है, आप सबको पता है। अर्थात खेलों के मूलभूत कौशल मैदान पर ही सिखाए जाते हैं, अतः कुशल प्रशिक्षण के लिए मैदान अति आवश्यक है फिजिकल एजुकेशन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? धनुर्विद्या के लिए। किसके लिए? धनुर्विद्या के लिए। जैसे कि दोस्तों तक्षशिला प्राचीन भारत में अत्यंत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र था। तक्षशिला की शिक्षा व्यवस्था दो श्रेणियों में विभाजित थी। एक था सामान्य या साहित्यिक शिक्षा और दूसरा था वैज्ञानिक या औद्योगिक शिक्षा। जो वैज्ञानिक शिक्षा के अंतर्गत 18 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें शारीरिक शिक्षा को 4 कलाओं धनुर्विद्या, युद्ध कला, रथ संचालन एवं संगीत व नृत्य से संबंधित किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब की गई? तो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना 1932 में किया गया। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज भारत में मेथोडिस्ट चर्च का प्रमुख संस्थान है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की बढ़ती आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए
वर्ष 1932 में अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई। आसारी शिक्षा के पथ प्रदर्शक E.W. टेड मुंबई के नेतृत्व में सारी शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम प्रिंसिपल E.W. टेड मुंबई ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना भारत में कब की गई। SGFI यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में कब की गई, तो 1954 में किया गया। 1954 में किया गया दोस्तों। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया एक स्वैच्छिक संगठन है जो सन 1954 में स्थापित किया गया था। SGFI राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों कौन संचालित करवाता है? SGFI, इसको याद रखिएगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों को कौन संचालित करता है, तो SGFI यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जैसे एथलेटिक्स, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि की प्रतियोगिताएँ आयोजित करता है। इन प्रतियोगिताओं में केवल विद्यालयी लड़के व लड़कियां जिनकी आयु 19 वर्ष से कम होती है भाग लेने के लिए अधिकार होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है, तो आपको पता है दोस्तों NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम के अंतर्गत 1993 के अंतर्गत 16 अगस्त 1995 में की गई थी। इसका कार्य भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक को निर्धारित करना, प्रक्रियाओं एवं धाराओं की स्थापना करना एवं निरीक्षण करना है। NCTE का मुख्यालय दिल्ली में है तथा भोपाल, भुवनेश्वर, बंगलुरु एवं जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियां हैं। 4 क्षेत्रीय समितियां उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा क्या है, तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा क्या है? एक शारीरिक विकास है। क्या है? शारीरिक विकास है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। शारीरिक विकास में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक व सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कीचड़ स्नान प्रचलित था। कीचड़ स्नान यानी कि मड बाथ कहाँ प्रचलित था, तो कीचड़ स्नान यानी कि मड बाथ जो है वह पूर्व एथेंस काल में प्रचलित था। कब प्रचलित था? पूर्व एथेंस काल में प्रचलित था क्या? कीचड़ स्नान। तो दोस्तों यहां पे याद रखिएगा कि कीचड़ स्नान यानी कि मड बाथ पूर्व एथेंस काल में प्रचलित था, यानी कि मिट्टी से स्नान। एंड एक पूछा जाता है थर्म फॉर बाथ यानी कोलेजियम स्नान युद्ध स्नान गृह, तो वो आपका प्रचलित था उत्तरार्ध रोम काल में, उत्तर रोम काल में। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है दोस्तों? जब भी उद्देश्य की बात करें, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक कौशल का विकास करना। जब संपूर्ण विकास न दिया रहे तो आपको ध्यान देना है, तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक कौशल का विकास करना शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। जैसे कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण पर्सनालिटी का डेवलप करना है जो उसके संपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा के 4 प्राथमिक उद्देश्य हैं, शारीरिक योग्यता या फिटनेस डेवलप करना, गामक कौशल का विकास यानी मोटर स्किल को डेवलप करना, संज्ञानात्मक विकास अपने बुद्धि दिमाग को ठीक करना, एंड सामाजिक भावनात्मक विकास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी दोस्तों, तो 1920 ईस्वी में हुआ था YMCA की स्थापना HC बक के द्वारा। इस संस्था में तीन प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं YMCA में। कौन कौन से? शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा का प्रशिक्षण दिया जाता है, राजकीय प्रमाण पत्र निम्न श्रेणी का दिया जाता है, एंड राजकीय प्रमाण पत्र उच्च श्रेणी का दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता है यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी LCPE ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 में किया गया। भारत के शारीरिक शिक्षाविद प्रोफेसर PM जोसेफ इसके पहले प्रधानाचार्य थे। 1967 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया PM जोसेफ को। एंड 1973 में इसका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय LNCPE रखा गया। एंड 1982 में इसे स्वायत्त शासी संस्था यानी कि ऑटोनॉमस का दर्जा मिला। एंड सितंबर 1995 में इसे डिम्ड विश्वविद्यालय LNIPE यानी कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का दर्जा प्रदान किया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? तो कौन दे सकता है? महात्मा गांधी। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है तो किसने दिया है इस परिभाषा को? महात्मा गांधी ने। ठीक है। एंड उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि व्यक्ति को समाज के योग्य बनना ही शिक्षा का कार्य है। एंड स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। जबकि TP नंद ने क्या कहा है कि शिक्षा मनुष्यता का पूर्ण विकास है, जिसके कि वह अपनी सर्वोत्तम शक्ति के अनुसार मानवीय जीवन में मौलिक योगदान दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI की स्थापना कब हुई? तो आप सबको पता है इसकी स्थापना हुआ 25 जनवरी 1984 को। यह भारतीय खेल प्राधिकरण जो है भारत की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन आता है, उसका अभिन्न अंग है। अब यह अपनी खेल प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण युवाओं में प्रतिभा उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसके लिए वह इन्हें आवश्यक आधारभूत ढांचा, उपकरण, प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रतियोगिता के अवसर प्रदान करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा के ध्येय हैं यानी क्या उद्देश्य है इसका? मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। यानी शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है, जो उसके संपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। वाल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एकीकरण और समायोजन का अधिकतम विकास करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जान बर्नार्डे बेसडो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फिलेंथ्रोपिनम। दोस्तों जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के पितामह कहे जाते हैं जान बर्नार्ड बेसडो। और इन्होंने जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? जान बर्नार्ड बेसडो को। इन्होंने 1774 में डेसो नामक स्थान पर प्रकृतिवादी पाठशाला खोली, जिसका नाम फिलेंथ्रोपिनम रखा। और इस पाठशाला में फिलेंथ्रोपिनम की नींव रूसो की विचारधारा पर रखी गई थी। जॉन साइमन फिलेंथ्रोपिनम के प्रथम
शारीरिक शिक्षक थी। एंड 1785 में क्रिश्चियन गोथिफ साल्जमैन ने शारीरिक क्रियाओं एवं जिम्नास्टिक व्यायाम के लिए सनेपनथान शिक्षा विद्यालय की स्थापना की थी। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास एवं मानवीय संबंध का विकास करना, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है चार्ल्स बूचर का। जैसा कि यह परिभाषा बहुत ही प्रचलित है चार्ल्स बूचर की, कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यानी कि इन्होंने शारीरिक शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना है। एंड जो अपने उद्देश्य के रूप में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास के परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ चयनित शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से योग्य नागरिकों का विकास करती है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको है? तो दोस्तों शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय है कॉल्डवेल कुक। कॉल्डवेल कुक ने सर्वप्रथम शिक्षा में खेल प्रणाली यानी प्ले वे को जन्म दिया। कुक के अनुसार मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने के योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को हृदय से करना है। उन्होंने आओ पढ़े के नारे को बदलकर आओ पढ़ना पढ़ना खेले का नारा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो दोस्तों भारत में शारीरिक शिक्षा को शुरू किया था एच सी बक, यानी कि हेनरी क्रोबक ने 1920 में YMCA की स्थापना करके। एच सी बक फुटबॉल के खिलाड़ी थे। किसके खिलाड़ी थे? कई बार पूछ लिया जाता है कि किसके खिलाड़ी थे एच सी बक? फुटबॉल के खिलाड़ी थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ था? तो 1957 में प्रारंभ हुआ था। एंड इसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल में दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। यानी कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LCPE ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 में किया गया। एंड भारत के शारीरिक शिक्षाविद प्रोफेसर PM जोसेफ इसके प्रथम प्रधानाचार्य थे। 1967 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। एंड सन 1973 में इसका नामकरण लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय LNCPE किया गया। 1982 में इसे स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा मिला। एंड सितंबर 1995 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय LNIPE का पूरा नाम डीम्ड विश्वविद्यालय LNIPE का दर्जा प्रदान किया गया। UGC ने 14 जनवरी 2009 को इसे पूर्व विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास जो है वह अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। एंड 1982 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता भी प्रदान किया। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं आधुनिक काल की शारीरिक शिक्षा की परिकल्पना अंग्रेजी शासन में ने की थी। शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को आवश्यक विषय के रूप में शामिल किया गया एवं जिमनास्टिक, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन आदि क्रियाएं भी शामिल की गई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है डी आबरेट यूफर का। दोस्तों जहाँ भी
व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया शब्द आ जाए और दी आवरेट यूफर का परिभाषा होगा, यानी कि मैंने की पॉइंट बताया हुआ है सारी शिक्षा के और परिभाषा वाले वीडियो में जाइए, सभी प्रकार की परिभाषा को इतने अच्छे से बताया गया है कि एक बार आप देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। यानी कि जब कभी भी अनुभवों का सामूहिक प्रभाव या अनुभवों के जोड़ के साथ व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया की बात आ जाए तो वहाँ आवृत यूफर की परिभाषा होगी। एंड जब भीतरी अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तन शब्द आ जाए तो परिवर्तन शब्द आते ही आप लगा दीजिएगा रोजालन कैसे दी की परिभाषा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाड़ियों आप धन्य है, आप लड़ाई के मैदान को खेल मैदान के रूप में बदल सकते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है पोल पाल का। किसका है? पोप पाल का। यह कथन है पोप पाल का, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में इतना क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा या कोई मिस्टेक होगा उसे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। एंड दोस्तों इसी तरह आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए, अवश्य सफलता मिलेगी। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।